जय हिंद। सबको पता है देश और दुनिया के हालात क्या है, फ्री बैठे हैं, न्यूज़ देख रहे होंगे और जो भी कर रहे होंगे, लेकिन सबको पता है कि हालात क्या है। मुझे जो लगता है उस चीज़ के बारे में बात करना ज़रूरी है जो बिल्कुल ट्रेंडिंग नहीं है, जिसके बारे में किसी ने ना लिखा, ना पढ़ा, ना बात की, क्योंकि डायरेक्ट कंसर्न नहीं है ना वो आपसे। आपको पता है एक छोटी सी कहानी है, अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। जब ऐसी कंडीशन होती है ना तो इसका सबसे बड़ा फायदा कौन उठाता है पता है? आपका दुश्मन है ना। अब अगर किन्हीं लोगों को लगता है कि लॉकडाउन में आपका दुश्मन लॉकडाउन करके बैठा है तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। पिछले महीने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल से, आप समझ लीजिए कि 1 अप्रैल को फुटप्रिंट मिलते हैं, जो नदन कश्मीर है वहां पर फुटप्रिंट मिलते हैं किसी के आने में, जहां पर बिल्कुल 8 फिट गहरी बर्फ जमी हुई है। लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है, सब हम लोग तो बनी बात है, हमारा डायरेक्ट उससे कंसर्न नहीं है। इसीलिए कई लोग जो इनसेंसिटिव हो रहे हैं, पुलिस के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि उनका डायरेक्ट ना उसमें कोई है नहीं उनका डायरेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ना कहीं एहसान फरामोश लोग हैं, वो इसके आगे ना देखें क्योंकि बहुत जोर से आपको बुरा लगेगा। तो 1 अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल को सुबह सुबह लगभग ये पता चलता है कि वो फुटप्रिंट से पता चलता है, जो कि कश्मीर का नदन कश्मीर जो है वहां से पता चलता है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है उसके आसपास की बात, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर। तो गन बैटल 2:30-3 बजे वहां पर होती है, फिर उसके बाद वो जो लौंडे लापाड़ी थे, जो भी थे आतंकवादी, वो छुप जाते हैं। उसके बाद इसी चीज पर इसको आगे बढ़ाया जाता है। जब इस पे आगे बढ़ाया जाता है तो समझ में आता है कि बनी बात है पेनिट्रेशन, क्योंकि ये मौका छोड़ेंगे तो है नहीं जो आतंकवादी हैं, है ना, क्योंकि बर्फ है वहां पर और कंडीशंस बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। 8 फुट गहरी बर्फ में, मतलब आप समझ रहे हो क्या काम हो, कैसे कोई आदमी जाएगा। फिर उसके बाद यही चीज चलती रहती है, वही एनकाउंटर जो 4 तारीख को होता है। फिर कल क्या होता है कि जब समझ में आ जाता है कि यहाँ पर नॉर्मल ऑपरेशन नहीं है, तो पैरा स्पेशल फोर्सेज जो है उसकी 4th बटालियन 4 पैरा SF जो है उसके 2 बनी बातें स्क्वाड जो होती है वो आती है, एक स्क्वाड इस साइड है, दूसरी स्क्वाड इस साइड है, आतंकवादियों की तरफ बढ़ती है जो वहां पर छुपे होते हैं। एक छोटा सा हादसा होता है उसी समय, पैर फिसलता है और आतंकवादियों के सामने चले जाते हैं हमारे सूबेदार साहब जो 4 पैरा के थे। उसके बाद आगे जाके 15 कोर की बात कर रहा हूँ, आधे को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन समझ लो शायद आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेंसिटिविटी और शायद थोड़ा सा वो जागे अंदर से कि दोस्त ऐसा है जो हम सब आराम से बैठे हैं ना, उसके लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं, उसके लिए लोग लड़ रहे हैं दोस्त, यहां पर शांति के लिए, हम सब स्वस्थ रहें, घर में बैठे रहें, हम परिवार के साथ वक्त गुजार सकें। तो क्या होता है कि वहां पर उनका पैर फिसलता है, लगभग 2 मीटर के बीच में डेड बॉडीज मिली उनकी, गन बैटल हुई है, 15-15, 20-20 गोलियां खाई उन पैरा कमांडोज ने, किसके लिए ये सोचिएगा। लेकिन जब वो नाले से फिसलते हैं वहां पर सामने चले जाते हैं, 5 हमारे 5 शहीद हुए, जिनकी मैं अभी कल की बात कर रहा हूं, उसके पहले भी अभी कुछ हमारे जो है आर्म्ड फोर्सेस के बंदे हमारे जो है वो शहीद हुए थे। लेकिन नहीं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग नहीं है ना, शायद खबरों में भी नहीं आएगा, शायद लोग अब तो भूल भी चुके होंगे, क्योंकि हमारे इधर क्या है, 4 एक चंद पेपर की 2-4 लाइन। लेकिन आपको पता है इस स्थिति में उनकी जो डेड बॉडीज आई है ना, क्योंकि बनी बात है सरकार का ऐसा रूल है लॉकडाउन में, जो कि सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा से कहते आया हूं, उस समय उस कंडीशन में आप सोचिए उनकी अंत्येष्टि कैसी हुई, अलग अलग राज्यों से उनकी डेड बॉडीज वहां पहुंची, उसके बाद उनके अंतिम संस्कार किए गए। उन आतंकवादियों से लड़ते समय उनने ये नहीं सोचा यार कि वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई महिला पुरुष बच्चे बूढ़े किसके लिए लड़ रहे हैं, मालूम है वो किसके लिए वहां पर लड़ रहे हैं, कश्मीर के उस कुपवाड़ा जैसे सेक्टर में बड़ी बहुत खतरनाक है, और चूंकि पिछले 5-6 दिनों से बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, विजिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं, ऐसी चीज में भी आप सोचिए वो स्पेशल फोर्सेस के वो 5 कमांडोस जिन्होंने अपनी जान दी, सोचिएगा क्या आपको सिर्फ घर में बैठना इतना कठिन लग रहा है। बहुत सारे सवाल हैं दोस्त, 2 तबके हैं हमारे देश में, एक तबका वो है जो इनको अपना समझता है, जो समझता है कि इनने जो जान दी है, जो पुलिस खड़ी हुई है आज, जो डॉक्टर्स वहां पर आपके लिए, पता है आपको उनकी जाने जा रही है, वो इन्फेक्शन हो रहा है पुलिस को,
कितने सारे पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, जो अपने घर नहीं गए और घर जाते हैं, अगर घर जाते भी तो अपने बच्चों को नहीं छुपा रहे, अपने बूढ़े मां बाप से नहीं मिल पा रहे। यही हालत है डॉक्टर्स का, नर्सेस का। लेकिन उसके बाद भी आपको बताएं कि सर्कस देश में चल क्या रहा है, मैं उस पर नहीं बोलूंगा क्योंकि वो कानून के विरोध है, वो कानून के खिलाफ है। मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलूंगा जिससे कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन हो। हम सबको यार अभी भी वक्त है, क्यों नहीं मिलकर इस बड़ी समस्या से हम लड़ सकते हैं। आपको भी सोचना है, हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन क्या ये वक्त किस चीज के लिए है, ये वक्त सोचा कभी आप? कैसे कोई आदमी चुप कैसे रहे? मैं ये बात करता हूं कि बहुत सारे लोगों के, ये मैं नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन बहुत जरूरी है, कहां गए वो लोग जिनको बड़ा असुरक्षित लगता था इस देश में, कहां गए? एक बात बताओ, ये दो तबके हैं। एक वो तबका है जिसको बुरा लगता है कि नहीं यार, हमारा सिपाही, हमारे डॉक्टर्स, हमारे लोग, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी पुलिस फोर्सेस, हमारा वो वहां पर स्पेशल फोर्सेस, एलीट फोर्सेस, इंटेलिजेंस यूनिट्स, जिनको कोई नहीं जानता है। आपको पता भी है कौन कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा? वो क्या कर रहे हैं? उनका काम बंद नहीं हुआ? फौज का काम बंद नहीं हुआ? पुलिस का काम बंद नहीं हुआ? दोस्त, कुछ नहीं कर सकते ना, तो कम से कम इस बीमारी के समय में, इस महामारी के समय में मिलके तो रह सकते हैं। जो घरों में रह सकते हैं, बनी बात है समस्याएं हैं। जो बहुत नीचे तबका है उनकी हमें कैसे मदद करना है? आप रोड पे मत चले जाइए, अगर जब तक आपके पास पुलिस परमिशन नहीं है आपको नहीं निकलना है। यह बहुत बड़ी देशभक्ति का काम है। आपको पता है दुनिया के बहुत हालात बुरे हैं, आज हिंदुस्तान उस जगह पे तो आ चुका है जहां पर पूरी दुनिया उससे दवाई मांग रही है। क्यों आया है? हमको सब बहुत नीचे हमेशा से दुनिया के लेवल पे दिखाते थे। दोस्त, हम इतने भी कमजोर लोग नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जाहिलता, अनपढ़ता, ये पागलपन, बेवकूफियां मत करो यार। एक पूरा तबका है ना जो चुप हो जाता है, जो चुप रहता है हमेशा। एक बात है, मेरा सवाल है, शायद कुछ लोगों को चुनूना लगेगा, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा, चींटा लगेगा, जो लगेगा लगेगा। दोस्त, मुझे पता है इस वीडियो के बाद आप गाली बक सकते हो, आपको जो मन में आए, मैं नहीं बकूंगा क्योंकि मैंने जुबान दी। और दूसरी बात, ये माहौल लड़ाई का नहीं है दोस्त। जिनने गलतियां की है उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी लेवल का हो, किसी को भी रिप्रेजेंट करता हो, कोई भी हो। याद रखना, अभी इनको समझ में नहीं आ रहा, जिनको एनएसए जब पेला जाएगा ना, इनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सितंबर 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने बनाया था, जरा पढ़ लेना। और जो लोग चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे बाहर जाएं और पुलिस के खिलाफ काम करें, पुलिस पर थूकें या डॉक्टर्स को मारें, जरा एक काम है, तो अभी आपके पास वक्त है। बहुत साधारण सी चीज, बहुत सीधी भाषा में एक हिंदुस्तानी के तौर पर आपसे बात करना चाह रहा हूं, बोलना चाह रहा हूं। आप एक काम करिएगा, सेक्शन 188, सेक्शन 269, सेक्शन 270, सेक्शन 271 आईपीसी का है, वो पढ़ लीजिएगा और अपनी औलादों को पढ़ा लीजिएगा, उन बच्चों को, उन यूथ को। और आप जो हो, जो घर से बाहर निकलना चाह रहे हो, किसी पर पत्थर चलाना चाह रहे हो, किसी पर थूकना चाह रहे हो, जरा पढ़ लेना। और अगर इन सब, ये तो हो गया, ये तो ठीक है, सबसे बड़ा इनका बाप है तुम्हारा सबका ना, वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जमानत नहीं मिलती क्योंकि एफआईआर नहीं होती। 10-12 दिन पुलिस अपने हक में रख सकती है, अधिकार में रख सकती है, उसके बाद केंद्र, उसके बाद राज्य सरकार से पूछा जाएगा, उसके बाद वो केंद्र सरकार के पास जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत क्लियर रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, आपको पता भी है। अपने बच्चों को समझाइए, अपने भाइयों बहनों को समझाइए, जो ये बेवकूफी वाली हरकतें अगर कोई भी कर रहा है उनको ये समझना चाहिए। जिनको रासुका लग चुका है वो तो गए, मैं चाहता हूं तुम पे ना लगे, इसलिए घर पे रहो, शांत रहो, स्वस्थ रहो, अपने घर वालों के साथ रहो, इतने दिन में कुछ नॉलेज गेन करो वतन के बारे में। और मैं उन लोगों को क्लियर कट बोलना चाहता हूं जो अभी भी चुप बैठते हैं या सिलेक्टिव होते हैं कि इस मुद्दे पे हम इस धर्म की बात करेंगे, इस मुद्दे पे हम इनकी बात करेंगे, इस तबके की बात करेंगे, इस स्टेटस की बात करेंगे, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात करेंगे, हम दंगों की बात करेंगे, पत्थर की बात करेंगे। कहां थे तुम लोग? कहां थे? याद दिलाऊं कब कब तुम्हारी जरूरत थी, जब तुम लोग सब चुप रहे हो। एक ऐसा तबका है जो सेंसिटिव है, जो आज भी कहता है कि मेरा वतन बेस्ट नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर उसको बना सकते हैं। एक तबका आज भी वो है जिसे आज भी हिंदुस्तान गलत लगता है,
एक बात बताएं, ये लड़ने का वक्त नहीं है, ये एक दूसरे के ऊपर इल्जाम ठोकने का वक्त नहीं है, ये वक्त है इकट्ठे होकर हम सबको बेहतर की तरफ चलना है, कानून का पालन करना है। सबसे बड़ी देशभक्ति है, मुद्दे हैं यार हमारे देश में। मैं भी एक एक मुद्दे पे आधा आधा घंटा बात कर सकता हूँ, एनालिटिक्स पूरी की पूरी एनालिसिस करके, पूरी रिपोर्ट्स के साथ, डेटा के साथ, बट क्या ये वक्त है एक दूसरे पर दाग? यार एक एक्ट के तहत सरकार ने, एक कानून के तहत पूरी दुनिया में जो है लॉकडाउन, वो लॉकडाउन यहाँ पर पारित किया गया। ठीक है, आपको सरकार से प्रॉब्लम है, एक काम करो ना। सबसे बड़ी चीज मालूम क्या है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो, चाहे सरकार के विरोध में चाहे सपोर्ट में हो, सबसे बड़ी जरूरत मालूम क्या है इस चीज के लिए, जिंदा रहना। एक काम करो, अभी मरो मत, थोड़े दिन जिंदा रहो, फिर तुमको जो जिससे मुगालते निकाल लेना। आज तो माहौल मत कम करो, जो खराब मत करो यार, कम से कम कुछ नहीं कर सकते ना, तो घर में शांति से बैठो, अपने माँ बाप के साथ रहो, पढ़ाई करो, नॉलेज करो कि अगर आप एक गलत चीज करोगे आप कैसे वतन की। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे बहुत सालों से कि सर हम क्या कर सकते हैं देश के लिए। मालूम है आपको बहुत बड़ा मौका मिला है देशभक्ति दिखाने का, मुझे भी मालूम है। जिनके पास खाना नहीं है, मैं सरकार से पहले भी बोल चुका हूं, और ये सोशल मीडिया की बातें नहीं है, उसके लिए सरकार जो चलती है पेपर पे चलती है, उनके लिए जो संबंधित लोग हैं उनसे बात करना चाहिए, उन संबंधित को पत्र लिखना चाहिए, उन संबंधित से हम क्या कर सकते हैं एक नागरिक के तौर पर, सबसे पहले तो हम ये सोचें। आप सब, हम सब ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इन सबके पहले भारत का एक नागरिक है, एक सिटीजन है हम। हमें दायित्व मिला है यार, एक जिम्मेदारी मिली है पूरा करने की। अपने आप से पूछिए क्या करते हैं। और जो लोग चुप रहे हैं आज, जो बहुत बड़ा बड़ा बवाल मचा रहे हैं, एक बार बताइए आप लोग तब कहां थे जब हैदराबाद में ब्लास्ट हुआ था, आप लोग तब कहां थे जब अक्षरधाम में आतंकवादी हमला हुआ, आप लोग तब कहां थे जब दिल्ली में, जब कश्मीर में, जब मुंबई में, जब ऐसी जगहों पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई, तब कहां थे जब 26/11 का हमला हुआ था या मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, तब कहां थे आप लोग? सोचिएगा कि एक वो ऐसा पूरा तबका है जो चुप बैठता है, बड़े सिलेक्टिव टॉपिक्स पे वो आता है झंडा आप खड़ा करने के लिए, अपनी सब मांगे करने के लिए। अच्छा सुनो, सिर्फ दो फड़ हैं इस देश में, एक वो जो इस वतन के कानून का पालन करते हैं, इस वतन की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, मादरे वतन मानते हैं, अपना वतन मानते हैं, इस वतन से प्यार करते हैं, और दूसरा वो जिसको आज भी ये लग रहा है कि हम तो जो मौका मिला उसका फायदा उठा ले। दोस्त, कानून, संविधान ये इसलिए बने सबके लिए बराबर ही है, आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं भी चुप, भगत सिंह साहब की वो लाइन है ना कि हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सकर, अरसे रुखसत उन्हें भी ना आई इतना कहकर कि गोद में आंसू जो टपके कभी रुख से बहकर, तिफल उसको ही समझ लेना जी बहलाने को, हमने जब वादी कुर्बत में कदम रखा था दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को, अहले वतन आई थी समझाने को, क्या मेरा रंग दे मेरा रंग दे मेरा रंग दे वसंती चोला। मालूम है ये जो भी लोग हैं ना, ये जो भी लोग हैं जो ऐसे माहौल में भी इस वतन में गलत एक मैसेज दे रहे हैं, ऐसे माहौल में भी मिलकर नहीं रह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे माहौल में भी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ऐसे माहौल में भी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, अपने जो उनको फैसिलिटीज मिली है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जो उनके राइट्स मिले उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये लोग वहां कब थे यार जब अक्षरधाम हुआ, जब 26/11 का हमला हुआ, जब आतंकवादी हमले हुए, जब वहां पर जमातुल दावा जब चढ़ती है, जब आज तुमको क्या लग रहा है कश्मीर में हमला नहीं हो रहा है, कश्मीर में क्या जंग नहीं चल रही है, तुम्हें क्या लग रहा है घुसपैठ बंद हो गई, सीज पर बर्फ गिर रही है वहां पर रोज घुसपैठ हो रही है, पिछले 15 दिन के अंदर हमारे 10 फौजी सिपाही हमारे बंदे मरे हैं, उसके बाद एक ऐसी दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी आप अपनी रोटियां सेकेंगे, समझ में नहीं आता जमीर नाम की कोई चीज है, सोचिएगा इस पर ये कौन लोग हैं, और इन लोगों को याद रखिएगा जब अगली बार चुनिए। गालियां मैं भी बहुत बख सकता हूं, जो गुस्सा है इसीलिए बहुत दिन सच ऐसी ऐसी बक सकता हूं सोची भी नहीं होंगी, और मैं जब बकूंगा तो 4 दिन रिपीट नहीं होंगी, मुझे इतनी आती है, लेकिन नहीं, मैंने जुबान दी है, मैं ऑनलाइन गाली नहीं बकने वाला। आपको कमेंट्स पे जो लिखना है लिखो, मुझे जो मानना है मानो, मेरा संदेश उन लोगों के लिए है जो आज भी कगार पर है। दोस्त समझ जाओ, माहौल सुधारने की कोशिश करो, कुछ नहीं कर सकते ना, आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, बनी बात है सरकार अपना काम कर रही है, राज्य सरकार है,
पुलिस है, आप डिसीजन मत लो किसी को कुछ भी बोलने के लिए कि तू ऐसा है तू ऐसा है, नहीं है ऐसा ही वक्त। अभी अपनी जान लगा के ना वही डॉक्टर्स, वही पुलिस और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं। और मैं एक चीज और गुजारिश करना चाहता हूं, आप लोग बिल्कुल बनी बातें मदद करना, गरीबों की मदद करें। बवाल वही है ना, मेरी माँ कहती गुप्तदान करना, आपको करना बहुत जरूरी है, हम सबको करना चाहिए। मैंने किया, आप भी करें, मैं चाहता हूं सब करें इसको। दूसरी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है दोस्त, आप सब एक चीज पर ध्यान रखिएगा कि आज जो आपको ये आप जो जिंदा हो ना, इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए। पहले जिंदा रह लो, प्रिकॉशंस करो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। और जो लोग फोटो और वीडियो के लिए एनजीओ वाला काम कर रहे हैं, बगैर मत घूमो, तुम भी इन्फेक्टेड हो गए, दूसरों को भी करोगे। जब तक पुलिस की परमिशन ना हो आप बाहर ना जाएं। और बहुत बड़ी अगर कोई इमरजेंसी है तो बनी बात है उसके लिए आपको अगर लगता है तो आपको जाना चाहिए, उसके लिए आप एक ड्यू प्रोसेस है उसके थ्रू जाइएगा। लेकिन सुरक्षित रहें, बवाल ना करें, मास्क का यूज करें, हाथ, वो बाकी सब चीजें आपको पता होंगी। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कोई मदद नहीं कर सकते हो अभी, बाहर मत निकलो। और जो लोग काम कर रहे हैं तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए, वतन की इज्जत बचाने के लिए, और पूरे देश में लाखों लोग ना मरे ऐसा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, पुलिस, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन, आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके लिए कम से कम एक एहसान कर दो, अपने उनके काम में बाधा नहीं डालो। जय हिंद।